एक ज्ञान यज्ञ, जो यज्ञ पहले था जिसकी रक्षा के लिए आए थे, जहां स्वाहा स्वाहा हो रहा था, और हम भी किसी ज्ञान यज्ञ में ही बैठे हैं। ये जिस यज्ञ में हम बैठे हैं ये ज्ञान यज्ञ है, यह कथा है, यह डेली मंत्रों की आहुतियां हैं, यहां किसी रक्षा की, किसी के रक्षा की कामना है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसलिए जब आप कभी सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, ऐसा लिखा होता है, क्यों? ये ऐसा ज्ञान है जो अमिट है, ऐसा ज्ञान जो परमात्मा से मिला दे, वही तो ज्ञान है। तो ज्ञान यज्ञ आत्मा को जानने के लिए किया जाता है, स्वयं को जानने के लिए, मैं कौन, ये उसके लिए हो रहा है। हम इसलिए तो सुन रहे हैं कथा। हमारे कथा को सुनने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? यही है, कोई दूसरा तो नहीं है। हम ज्ञान लेना चाहते हैं और उस ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा है धनुष यज्ञ, परमात्मा को जानने के लिए। मतलब, अरे अब उस धनुष यज्ञ में जाया जाएगा जहां सब मनुष्य हैं, और उस धनुष को सिर्फ परमात्मा ही भंग कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इस धनुष यज्ञ में टूटेगा क्या क्या? क्या हमारे जीवन में भी कोई धनुष यज्ञ है, निरंतर है? बहुत सारे अहंकार के धनुष हमने भी इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे विषयों के, बहुत सारे कामों के धनुष हमारे भी इकट्ठे हैं, जो तन गए हैं, जिनकी प्रत्यंचाएं तन गई हैं, और ये बिना परमात्मा को जाने नहीं टूट सकते। उसको जानना, जैसे जैसे उसको जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। स्वानंद बरसेगा, अति आनंद बरसेगा।